24 जुलाई की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। परमात्मा आज ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी और प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं परमात्मा ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भवा। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बनो, अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा मतलब प्रॉपर्टी संतुष्टता है कि ब्राह्मण बन गए, परमात्मा की दी हुई हर बात को मानते हुए आगे चले, सुबह अमृत वेला मेडिटेशन से लेकर के मुरली सुनने से लेकर के खान पान में परिवर्तन से लेकर के हर चीज़, तो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है संस्कार परिवर्तन होते हैं और सोच परिवर्तन होती है, हैबिट्स चेंज होती हैं, पुराने स्वभाव संस्कार नेचर कैरेक्टर पर्सनैलिटी चेंज होती है आस्ते आस्ते, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। तो वो चेंजेस आने से हमारे अंदर संतुष्टता आती है, हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं और फिर ऑटोमेटिकली हम अंदर से अपने साथ प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्नता बाहर दिखती है। अगर हमारे अंदर गंदगी हो, आपके घर के अंदर ही सपोज गंदगी हो, तो आपको खुशी रहेगी नहीं रहेगी, आप संतुष्ट रहेंगे नहीं रहेंगे। उसी तरीके से हमारे मन के अंदर और बुद्धि के और संस्कार हमारे मैले हों, तो क्या हम अपने साथ में भीतर अपने मन बुद्धि संस्कार के साथ में खुश रहेंगे संतुष्ट रहेंगे नहीं रहेंगे। इस कारण से आज इंसान अपने साथ में ना प्रसन्न है और ना संतुष्ट है, और फिर वो क्या करता है, वो बाहर की वस्तुओं वैभव पदार्थ चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट और प्रसन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम्हें बिना खर्चा करे हुए तुम्हें अपने मन बुद्धि को मुझसे जोड़ो और अपने संस्कारों को पवित्र करते जाओ, मतलब कि आत्मा अंदर से मन बुद्धि संस्कार चेंज होते गए पवित्र होते गए, ऑटोमेटिकली संतुष्टता ऑटोमेटिकली प्रसन्नता आएगी। फिर बाहर की चीज़ें खरीद खरीद करके सजा करके वैभव बढ़ा करके वो फिर संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं आएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल में आ जाएंगे और नष्ट मोह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। कौन सा अनुभव, संतुष्टता और प्रसन्नता। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, प्राप्तियाँ क्या क्या हो रही हैं, समय स्वास संकल्प, लेकिन उसके पहले ज्ञान गुण शक्तियाँ। फिर हम व्यतीत करते हैं अपना समय उस ज्ञान गुण शक्तियों में, स्वास से अपनी उस ज्ञान गुण शक्ति के बारे में सोचते हुए और संकल्पों में भी वो ज्ञान गुण और शक्तियाँ। तो प्रभु कहते हैं का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। बहुत गहरा है, समझना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा करना भी इम्पोर्टेंट है, अनुभव करना इम्पोर्टेंट है। ओम शांति।